बॉलीवुड सिंगर और एक्टर हनी सिंह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। मशहूर रैपर यो यो हनी सिंह पर उनकी पत्नी शालिनी तलवार ने डोमेस्टिक वायलेंस के कई आरोप लगाए थे। कोर्ट की 2 तारीख पर हनी सिंह नहीं पहुंचे थे, लेकिन शुक्रवार को हनी सिंह 30,000 कोर्ट पेश हुए, जिसके बाद सिंगर ने एक बंद एनवेलप के अंदर अपनी इनकम की रिपोर्ट पेश की है, साथ ही टैक्स सर्टिफिकेट भी सौंपा। सिंगर के वकील रिबेका जॉन का जज के सामने कहना था कि शालिनी तलवार को भी बंद लिफाफे के अंदर अपनी इनकम एफिडेविट जमा करनी चाहिए, क्योंकि सिंगर ने पत्नी पर आरोप लगाया था कि वो कंपनी में पैसों की हेरा फेरी कर रही हैं। वहीं शालिनी के वकील संदीप कपूर का कहना था कि शालिनी को एक प्रोटेक्शन ऑफिसर कोर्ट की ओर से दिया जाना चाहिए, जिससे वे अपने ससुराल जा सके। दरअसल शालिनी का कहना था कि उनके सभी डॉक्यूमेंट्स ससुराल में हैं, इसीलिए शालिनी के वकील ने एक प्रोटेक्शन ऑफिसर की डिमांड की। हनी सिंह के सभी इनकम डॉक्यूमेंट्स सील्ड पैक एनवेलप में जज को सौंपे गए हैं। इसके बाद दोनों ही पक्षों की बात पर कोर्ट में सुनवाई की गई। जज दोनों को ही अपने चैम्बर में लेकर गए और उनकी काउंसलिंग की। ऐसा इसीलिए क्योंकि मामला डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का है, जिसमें दोनों पति पत्नी बराबरी के भागीदारी हैं। बता दें कि हनी सिंह और शालिनी तलवार का बयान कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। जज ने दोनों को समझाया। इसके बाद कोर्ट ने हनी सिंह पर पैतृक संपत्ति बेचने और स्त्री धन यानी कि शालिनी की ज्वेलरी जैसे सामानों को ना बेचने के आदेश दिए हैं। फिलहाल कोर्ट ने 28 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय की है और कहा है कि इस दौरान दोनों पति पत्नी अपनी इनकम के सबूत कोर्ट को सौंप दें। आपको बता दें कि हनी सिंह की पत्नी ने 20 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है, जिसमें 10 करोड़ एक मुश्त यानी कि एक साथ दिलाने की गुहार लगाई गई है। ओके, बस यही कहना चाहता हूँ सबको कि आज मेरी हियरिंग थी, लास्ट हियरिंग पे मैं आ नहीं पाया था, बीमार था, और जज साहब ने बहुत अच्छी काउंसलिंग करी है मेरी और शालिनी की, और आई होप कि सब ठीक होगा आगे जाके। बता दें कि हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने सिंगर के खिलाफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत याचिका दिल्ली के 30,000 कोर्ट में डाली थी। शालिनी ने रैपर और उनके परिवार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, शालिनी ने हनी सिंह के पिता पर उन्हें गलत तरीके से छूने के आरोप भी लगाए थे। शालिनी ने शारीरिक हिंसा, मानसिक उत्पीड़न, आर्थिक हिंसा और यौन हिंसा के इल्जाम लगाए हैं। शालिनी ने हनी सिंह पर एक से ज्यादा लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन होने की बात भी की है। वहीं हनी सिंह ने शालिनी के सभी आरोपों को गलत और झूठा बताया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शालिनी और हनी सिंह ने साल 2011 में शादी की थी। हनी सिंह और शालिनी की मुलाकात स्कूल में हुई थी, जहां इन दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी। 10 साल तक प्यार में रहने के बाद इस जोड़ी ने 14 मार्च साल 2010 को परिवार की मर्जी से सगाई की और 23 जनवरी 2011 को शादी कर ली थी। न्यूज़ तक ब्यूरो।